और मैं आपको परिचय कराना चाह रहा हूँ. हमारे पीएस शारदा जी हैं, ये स्वराज अभियान के वाइस प्रेसिडेंट हैं और एक बहुत अच्छा दिल रखते हैं इस मुल्क के अंदर. जिस मुहिम के लिए हम यहाँ खड़े हैं उस मुहिम का एक बहुत बड़ा हिस्सा है. हम चाहते हैं कि देश में हमाहंगी बातें हुए और लोगों में भाईचारा बढ़े और ये भेदभाव की भावनाओं को दूर कर एक ऐसा मजबूत और जो है अखंड भारत बने जिस भारत में सब मुस्कुराने वाले हों और आंसुओं को पोंछने वाले हों और दुख दर्द बांटने वाले बने. उनके बाजू जो बैठे हैं जनाब पंकज पुष्कर जी, तिमापुर के MLA, आप इनसे परिचित हैं, मुझे इंट्रोड्यूस कराने की ज़रूरत नहीं है. लेकिन ये अपनी वाणी से सारे दिल्ली में बहुत बड़ा काम करते हैं हमेशा से. आपने इनको TV पे भी देखा है, असेंबली के अंदर केजरीवाल सरकार से अपने अकेले होकर सिपाही बनकर स्वराज अभियान की आवाज़ को बुलंद करते हैं, वहाँ लड़ते हैं, उन सारे MLA से जूझ कर हुकूमत के खिलाफ आवाम की आवाज़ को उठाने में सबसे ऊंची आवाज़ पंकज पुष्कर जी यहाँ पर हैं. एक बात और मैं बताना चाह रहा हूँ, स्वराज अभियान का वो जो कैंपेन अभी चल रहा है जिसको आप पेपरों में TV में देख रहे हैं, नशा जो बस्तियों में औरतों की रजामंदी के बगैर जो नशे के दुकान खुल रहे हैं, ये अरविंद केजरीवाल जी जो वादे पहले करते थे कि हम जो है बस्तियों में औरतों की रजामंदी के खिलाफ हम किसी नशे की जगह को खोलेंगे नहीं, वो खोलने में रात दिन मेहनत कर खोलने में कोई कसर छोड़े नहीं है. आपको हैरत होगी कि 399 शॉप से इन्होंने लिकर लाइसेंसेस इस एक साल में दे दिए. ये उनकी इस असेंबली की ही रिकॉर्ड्स बताती है जिसको उजागर पंकज पुष्कर जी ने किया. योगेंद्र यादव जी हमारे जो सबसे आला लीडर है, प्रशांत भूषण जी, आप जानते हैं इन लोगों को. इन लोगों की मेहनतों से इस दिल्ली में बहुत सा काम होने जा रहा है और देश में बहुत सा काम होने जा रहा है. मैं प्रशांत भूषण जी जो अमन कमेटी के नेशनल कन्वेनर हैं, अमन कमेटी के कन्वेनर हैं, उनकी ही अगुवाई में हम यहाँ पर इस छोटी सी बैठक को, ये बैठक है, ये कोई ऐसा मीटिंग जैसा नहीं, हम चर्चा की बात करने के लिए आए. क्योंकि देश में जिस किस्म का माहौल है उस माहौल के खिलाफ किस कदम, किस किस्म के मुहिम और किस किस्म के अकदाम हम कर सकते हैं, किस तरीके से जो खतरे हमारे देश के सामने आज नजर आते हैं, जो खड़े हैं, उसके बारे में बात करने के लिए हम यहाँ आए हैं. मैं आपको कुछ दो चार मिनट में कुछ ऐसी चीज़ें बताने की कोशिश करूंगा जिन लाइंस पे स्वराज अभियान काम करना चाहता है और अमन कमेटी जिन लाइन में काम कर रही है और जो हमने कुछ किया है लास्ट कुछ महीनों में जो काम किया है. आपको पता लगेगा कि आप अगर देखते रहते हैं, TV देखते हैं और पेपर देखते हैं, तो वाराणसी में अमन कमेटी ने एक बहुत बड़ा अम्ब्रेला फॉर पीस का इवेंट किया. उस इवेंट में स्वराज अभियान के सारे लीडर, तीसरा सिटिलवाद, राम पुनियानी, शबनम हाशमी जी, इरफान मुस्तफ़ा, बड़े बड़े लीडर्स और वहाँ के कई सामाजिक कारकुन UP के और देश भर के वहाँ पर जुड़कर हमने एक संकल्प लिया. हमने वादा किया कि हम देश में जहाँ जहाँ भी अमन को ठेस पहुँचती है वहाँ वहाँ हम पहुँचकर अमन को कायम रखने की हमारी मुहिम को जारी रखेंगे और हम बहुत तेज़ी से काम करेंगे. कैसे काम करेंगे एक सवाल है. वो सवाल ऐसे जवाब उसका दिया जा सकता है कि देश भर में हर स्टेट में हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हम अमन कमिटीज़ बनाने का काम कर रहे हैं. इस वक्त हम 6 स्टेट्स में ये काम कर रहे हैं. डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हम कमिटीज बनाते हैं, ऐसे लोगों को हम कमेटी में जोड़ते हैं जो जिम्मेदार हैं, समझदार हैं, रसूख वाले हैं, इज्जतदार हैं और जो इस बात को महसूस करते हैं कि देश की तरक्की के लिए अमन कितना अहम रोल प्ले करता है. तो जो लोग अमन के लिए जुड़ना चाहते हैं, अमन के लिए काम करना चाहते हैं, उन लोगों को जोड़कर हम अमन कमेटीज का अमन कमेटीज को कायम करना चाह रहे हैं देश भर में और देश में इस काम को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं. ये एक हमारी मुहिम है जिस मुहिम के तहत बहुत सा काम चल रहा है. अब किस किस्म के हमारे सामने मुद्दे हैं, जो चैलेंजेस हैं हमारे देश में, अब उसके बारे में मैं बताऊँगा. हमारी सियासत, हमारी पोलिटिकल पार्टीज किसी भी प्रांत की होती हो, देश में जिस किस्म की सियासत इस वक्त चल रही है वो सियासत इंसानों को बांटने का काम करती है. हिंदुस्तान के शहरियों को किसी तरीके से मजहब की बुनियाद पर, जात पात की बुनियाद पर, प्रांत की बुनियाद पर, जबान की बुनियाद पर,
उनकी जबान के बुनियाद पर बांटने की कोशिश की जाती है। इस कोशिश का नाम है सियासत। वो सियासत इसलिए की जाती है कि जब तक भारत में रहने वाले बाशिंदों को बांटने का काम नहीं होगा और बहुत अच्छा मजबूत काम नहीं होगा, उनको ऐसे डब्बों में बंद नहीं किया जाएगा जिन डब्बों को हम वोट बैंक के डब्बे कहते हैं, उनकी सियासत नहीं चलती, उनकी रोटी रोजी नहीं चलती, उनकी कुर्सियों की में ताकत नहीं आती। ये चाहे यूपी हो और कोई प्रांत हो, देश का हर स्टेट इसी बीमारी का शिकार है। ये लोग इंसानों को इंसानों से बांटते हैं, इंसानों के अंदर दरारें पैदा करते हैं और बना बनाकर एक ऐसे ऐसे कांड कर करते हैं जिन कांडों की वजह से लोगों में दरारें आती हैं। इनके लिए सबसे आसान काम वो होता है कि मजहब की बुनियाद पर डिवाइड कर दो। इन्होंने सीखा, हमारे जो पहले गोरे थे, जो 200 साल हिंदुस्तान पे हुकूमत की, जिनको हिंदुओं ने, मुसलमानों ने, सिखों ने, ईसाइयों ने, बुद्ध ने कई सौ साल लड़कर उनको यहाँ से खदेड़ दिया, अब हमारे ही लोग, हमारे ही चमड़ी के लोग इस देश में उसी किस्म का आतंक फैलाते। सियासत इस देश के लिए बहुत खतरनाक चीज बन चुकी है। अफसोस की बात यह है कि सियासत को ऐसे होना चाहिए था कि सियासत लोगों के अंदर इत्तेहाद पैदा करने का काम करती, सियासत लोगों के रोजमर्रा के मसाइल को हल करने का सामान पैदा करती, लेकिन ऐसा होता नहीं, आपको अच्छी तरीके से मालूम है। मैं ज्यादा लोगों का नाम लेकर किसी सियासी पार्टी को कटघरे में खड़ा करना नहीं चाहता हूं, लेकिन एक सच्चाई है, आज हमारे न्यूज़पेपर्स गवाही देते हैं, हमारे टेलीविजन गवाही देते हैं, मीडिया भी किस तरीके से काम करती है, जहां पर जरूरत होती है अमन कायम करने की, मीडिया उसको इश्काल कर, भड़का कर लोगों में दरारें पैदा करता है ताकि किसी सियासी पार्टी को उसका कुछ खास फायदा हो जाए। तो आज देश में जिस किस्म का माहौल है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, मैं खास बात कहने जा रहा हूं, एक बात आप मेरी बात बिल्कुल समझ लीजिए कि जो कोशिशें ये लोग करते थे, बाज सियासी पार्टियां ये कोशिशें खास करती थी कि भाई बहुत आसान है, हिंदुओं को मुसलमानों से लड़ा दो। और ये पिछली 2014 के इलेक्शन से पहले हमने देखा मुजफ्फरनगर में क्या हुआ और कई स्टेट्स में किस किस किस्म से, जब भी सियासत गर्म होने लगती है, जब अमन टूटता है तो इनकी सियासत गर्म होकर इनको फायदा देने लगती है। ये सियासत को तिजारत बनाकर इस देश में करने वाले सियासी मोहरे यहाँ बैठे हुए हिंदुस्तान में। तो एक बात अब जो समझ में आ रही है इनको, केराली एक जगह है यूपी में, वहां पे इन्होंने कांड किया, एक बात को फैलाने की कोशिश की, वहां के एमपी, जिनका मैं नाम लेना नहीं चाह रहा हूं, वो अपनी बेटी को एमएलए इलेक्शन में खड़ा करना चाहते थे, तो उन्होंने एक नया